स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। खैर, चैप्टर नंबर 4 के अलावा चैप्टर नंबर 8 भी मैंने शुरू किया हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, तो वो भी साइड में मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि जल्दी से सिलेबस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए, ठीक है। 12th क्लास बायोलॉजी में ज़्यादातर चैप्टर्स मैं फिनिश कर चुका हूँ। चैप्टर 8, चैप्टर 13 थोड़ा सा बच रहा है, तो वो मैं बीच में टाइम मिलेगा तो कभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम सिलेबस उनका अपलोडेड है, तो उनको इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। 11th क्लास का काफ़ी सिलेबस अभी रह रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट टर्म का तो हम लोग कर लें जल्दी से, ताकि आपके एग्जाम्स वगैरह हों तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका सेल चैप्टर चलेगा, साथ में एनिमल किंगडम भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर साथ में चलेंगे, दोनों ही बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में ये कौन सा वीडियो है, ये चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का 7th वीडियो है, ठीक है। 7वां वीडियो है ये, 6 वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने फाइलम शुरू कर दिए थे, और फाइलम में पहला फाइलम हमने पढ़ा था पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, पॉरीफेरा को भी पढ़ेंगे इसमें कि पॉरीफेरा क्या है, ठीक है। विद स्ट्रक्चर भी बताऊंगा अभी, आगे स्ट्रक्चर वगैरह बनाऊंगा मैं और खूबसूरत से, तो उससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, चेनोसाइट्स, चेनोसाइट्स क्या होते हैं, चेनोसाइट्स और पॉलर सेल लाइन, द स्पंजोसील्स एंड द चैनल्स, ठीक है। देखो, कैनल्स और स्पंजोसील मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पहले, ठीक है। चैनल्स, कैनल्स क्या होते हैं और स्पंजोसील क्या होता है, ये अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसकी जो स्कॉलर सेल्स होते हैं, मतलब इसको लाइन करता है सेल लाइन, देखो चेनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनल्स, ठीक है। ये जो कैनल्स होंगे ना, कैनल इस तरीके से, इसको इसको लाइन कौन करेगा, इसकी परत किसकी चढ़ी होगी इसके ऊपर, कॉलर सेल की, ठीक है। कॉलर सेल की परत चढ़ी होगी, या फिर कॉलर सेल को या चेनोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो, ठीक है, क्लियर है ये बात। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही होगा, इंटर मतलब दो सेल के बीच में, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, एक सेल के अंदर ही डाइजेशन वगैरह सब हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीकुलस, स्पीकुल्स और स्पंजी फाइबर्स, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं बायो में, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, अच्छा हमारी बॉडी कैसे सपोर्टेड है, हमारी बॉडी हड्डियों से सपोर्टेड है, तो इनके बॉडी को भी तो कुछ स्ट्रक्चर चाहिए ना सपोर्ट के लिए, तो इनके बॉडी सपोर्टेड कैसे होती है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ, स्केलेटन से सपोर्टेड है इनकी बॉडी भी, और वो स्केलेटन किससे बना हुआ है, स्पीकुल्स से, स्पीकुल्स से बना हुआ है, और स्पंजिन फाइबर, ठीक है, स्पंजिन फाइबर बोलो या स्पीकुल्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे हमें मसल फाइबर होते हैं, बोन्स होती है, उससे हमारे स्केलेटल सिस्टम बना होता है, वैसे इनमें स्पीकुल्स और स्पंजिन फाइबर से इनका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, जिसपे इनका पूरा ढांचा टिका हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर ही बात। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जैसे मेल में अलग सेक्स है, फीमेल में अलग सेक्स है, ऐसा नहीं होगा, एक ही में दोनों सेक्स हैं, ठीक है, मतलब एक में एक इंडिविजुअल के अंदर ही मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स दोनों पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, केंचुआ, अर्थवर्म। अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते, वो मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, उसमें सेम सेक्स होता है, मतलब उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे मेल की या फीमेल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उनको कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। तो ये सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो ये कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पंजेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली, ये याद रखना भैया, एक एक चीज क्लियर रखनी बहुत जरूरी है। देखो डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
तीन सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, ठीक है। अब बायो तो सुपर स्ट्रांग होना चाहिए आपका, ठीक है, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होता ही है ज्यादातर लोगों का, जिनका बायो अच्छा होता है उनका केमिस्ट्री भी अच्छा होता है। फिजिक्स मैथ्स की बहन है तो फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, फिजिक्स अच्छा अपना कर लेना, ठीक है। बायो आपका स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बायो आपका सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहते भी हैं कि बायो आपको सेलेक्ट करवाएगा और फिजिक्स आपको रैंक दिलवाएगा, ठीक है, नीट में। तो इसलिए बारीकियों को समझते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये जो लेक्चर्स हैं क्या ये नीट के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल, नीट कुछ अलग थोड़ी है, नीट एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है, तो ये नीट के लिए भी सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा ये पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज वगैरह और सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई अच्छी सी बुक से आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं नीट की अलग से सीरीज भी बनाऊंगा, जनवरी में मेरा प्लान है कि अलग से पूरी सीरीज नीट की मैं बनाऊं, जिसमें नीट का पूरा डिटेल में पूरा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊं, ठीक है। ये मेनली फोकस्ड है 11th और 12th क्लास के लिए, लेकिन नीट वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। समझ में आ गई मेरी बात? देखो, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पंजेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब फ्रेगमेंट्स टूटेगा, ये है इसका फ्रेगमेंट, ये टूट गया, ये नया बन गया, ठीक है, तो इससे नया एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर इससे फ्रेगमेंट टूटा, फिर इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है पूरा, ठीक है। तो स्पंजेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेशन जो मोड है वो किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अच्छा, कमाल की बात ये है, देखो कमाल की बात ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ये खुद कैसा है? हर्मोफ्रोडाइट है, मतलब इसके पास दोनों सेक्स है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब गैमेट्स बनाता है, मेल गैमेट भी बनाएगा, फीमेल गैमेट भी बनाएगा, दोनों फ्यूज होंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, क्लियर है ये बात। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult, ठीक है। देखो अभी इसको छोड़ दो, ये समझो सिर्फ, fertilization is internal, fertilization कैसा होता है? internal होता है, हमारी body में fertilization कैसा होता है? female की body में होता है, तो internal होता है, inside the body होता है, ठीक है, मतलब sperm और ova का fusion जो है वो inside the body अगर हो तो उसको internal fertilization कहते हैं। कुछ जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो अपना स्पर्म रिलीज कर देते हैं वाटर में, और ओवा रिलीज कर देती है फीमेल अपना वाटर में, और वो वाटर के अंदर फ्यूज हो जाता है, ठीक है, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं कि उनसे प्रोजेनी बने, क्योंकि उनको प्रीडेटर खा जाते हैं कई बार, और चांसेस कम है कि वो दोनों फ्यूज हों। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फ्यूजन के। तो हम में कैसा फ्यूजन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम में होता है। इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन है? इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो इस चीज में ये सिमिलर आंसर है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। लेकिन लेकिन हम में एम्ब्रियो बनता है, हम में क्या होता है? जायगोट बनता है, पहले स्पर्म ओवा फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट से एक सेल से दो सेल, दो से चार, आठ, सोलह, मोरूला, गैस्टूला, ब्लास्टूला, सुना होगा ना ये सब, ठीक है। इस तरीके से पूरा फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। 3 months में हमारे सारे organs बच्चे के रेडी हो जाते हैं, अगले 6 महीने तक उसका नरिशमेंट होता है, 9 months के बाद उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। ये हम में होता है, ह्यूमंस में इस तरीके से। अगर हम बात करें इनमें, ठीक है, तो इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं है, इसमें जो एडल्ट बनेगा ना, ठीक है, देखो इसमें ये था आपका जायगोट, ठीक है, जायगोट से क्या बना? लार्वा। अरे इसको समझ लेना, ठीक है, लार्वा, और लार्वा से क्या बना? एडल्ट। तो इसमें एम्ब्रियो वाली स्टेज नहीं है, ठीक है,
इसमें डायरेक्ट क्या होता है, आपका जो भी भले इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, पहले क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, सॉरी पहले मतलब स्टार्टिंग सेल बनेगा ना, जायगोट तो बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी का कुछ पार्ट होगा, फ्रेगमेंट होगा ना उसका, तो वहां से फिर लार्वा का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, लार्वा का डेवलपमेंट होता है, मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो लार्वा का डेवलपमेंट होता है। लार्वा क्या होता है, लार्वा एक इनिशियल स्टेज, मतलब उस एनिमल की इनिशियल स्टेज, ठीक है, जैसे मेंढक में रहते हैं ना टैडपोल, ठीक है, जैसे कैटरपिलर रहते हैं जो आपकी बटरफ्लाई रहती हैं, मधुमक्खी जो रहती है वो पहले कैटरपिलर में विकसित होती है, फिर वो कैटरपिलर का जो कवच होता है उसको तोड़ के फिर पूरी मधुमक्खी में विकसित होती है, ठीक है, तो वो लार्वल स्टेज है। तो ऐसे हर एनिमल के अलग अलग लार्वा होते हैं, तो वैसे इसका लार्वा जो है वो अलग होगा, तो पहले ये अपने इनिशियल स्टेज से लार्वल स्टेज में डेवलप होगा और फिर लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में ये डेवलप होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि वही चीज इन्होंने बताई है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्यों का, इनडायरेक्ट मतलब यहां से यहां डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, यहां से यहां सीधे डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहले ये बन रहा है फिर ये बन रहा है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट है ये एडल्ट से, ठीक है, कौन, ये लार्वा जो है ना ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एडल्ट से। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है बाहर से दिखने में, कैसे हाथ पांव है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे ऑर्गन्स है, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकली ये डिस्टिंक्ट होगा, मतलब ये दोनों दिखने में एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना, लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस पे है ये, दोनों का मुझे हैबिट हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से हमने नहीं की होती तो वो हैबिट में नहीं आती, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन अगर करता रहूँगा इस तरीके से मैं, तो दोनों वीडियो आपका चैप्टर नंबर 8 का और चैप्टर नंबर 4 का चलता रहेगा साथ में, ठीक है, और 30-30 मिनट के वीडियोस चलते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा 3-4 दिन मुझे लगेगा लगभग रूटीन में इस चीज़ को लाने में, ठीक है, और क्योंकि एकदम से करूँगा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें तरीके से आपको मिलती रहेंगे। आपको बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।